अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं लाइक एसएससी, रेलवे, आईएपीएस, यूपी टेट और सी टेट एग्जाम, तो आपके मोबाइल में इंस्टॉल होना चाहिए एन अकेडमी लर्निंग ऐप, जो कि आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। वहां पर आप सर्च कीजिए मोहित कुमार कश्यप, तो आपको मिलेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बेनिफिशियल कोर्सेज, मॉक टेस्ट और मेरे द्वारा पढ़ाई गई मैथ्स की सभी शॉर्ट ट्रिक्स। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है ताकि आप मुझे फॉलो कर सकें। सो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए ले आया हूँ जनरल स्टडीज़ के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस लिए गए हैं वो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल एग्जाम से लिए गए हैं, ठीक है। जैसे कि 2017-2018 का जो एग्ज़ाम का ट्रेंड रहा है, तो वहाँ से मैं ये क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। तो आज मैं आपको 25 क्वेश्चंस कराऊंगा, और जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है तो अपने पास पेन पेपर लेकर चले, ठीक है। तो उसमें होगा क्या कि मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, ठीक है, आपके पास चार ऑप्शन होंगे, तो आप बारी बारी से उन क्वेश्चंस को उनके आंसर आप खुद से दें, और फिर लास्ट में ये चेक करना कि आपने 25 से कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, ठीक है। यहाँ पर आपकी एक तो प्रैक्टिस होगी, और जो एक्स्ट्रा फैक्ट होगा वो मैं यहाँ पर बताकर चलूँगा, तो वो भी आप साथ के साथ नोट करके चलें, क्लियर। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एट विच रेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोरोज मनी फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक्स। किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है? तो वो कौन सी दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है? तो हमारे पास चार ऑप्शन है, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, या फिर स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेट, जिसको सावधिक तरलता दर कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है वो है, आपने लगा लिया होगा, तो मैं सही आंसर बताता हूँ, वो है इसका रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट। अब रिवर्स रेपो रेट होती क्या है, ध्यान दीजिए, रिवर्स रेपो रेट वह रेट होती है, वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक देश में व्यापारिक बैंकों से उधार लेता है। तो रिवर्स रेपो दर वह दर होती है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक देश में व्यापारिक बैंकों से उधार लेता है, ठीक है। जो RBI है, जो व्यापारिक बैंक होते हैं ना, उनसे उधार लेता है, और यह एक मौद्रिक नीति उपकरण है जिसका प्रयोग देश में मुद्रा आपूर्ति को मेंटेन करने के लिए, इसको पूरी तरह से नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो रिवर्स रेपो रेट क्या हो गई, जो व्यापारिक बैंकों से ठीक है उधार लेता है रिजर्व बैंक, क्लियर, समझ में आया। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व इज नोन एज, आपूर्ति वक्र के साथ साथ चलने को क्या कहते हैं? ये भी इकोनॉमी का क्वेश्चन है, तो इसको कहा जाता है, आप अपनी तरफ से आंसर लगाइए। तो मैं इसका आंसर बताता हूँ, वो होता है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, आपूर्ति में विस्तार तथा संकुचन, आपूर्ति में विस्तार तथा संकुचन। जब वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है ना, तो इसकी आपूर्ति की मात्रा में भी वृद्धि होती है, इसे आपूर्ति का विस्तार कहते हैं। और इसी के विपरीत, इसके अपोजिट अगर प्रोसेस होता है, यानी कि क्या होता है, जब वस्तु की कीमत कम होती है तो आपूर्ति की मात्रा भी कम हो जाती है, इसे ही संकुचन बोला जाता है, समझ में आया। तो आपूर्ति का विस्तार और संकुचन आपको समझ में आया, ठीक है। जब आपूर्ति की मात्रा में वृद्धि, तो उसका पूर्ति का विस्तार होता है, कीमत में वृद्धि होती है, कीमत में अगर कमी होगी तो आपूर्ति में भी कमी हो जाती है, उसको संकुचन बोला जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो न्यूनतम आयु होती है, वो होती है 35 वर्ष, ठीक है। और भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए भी निम्नलिखित जो योग्यताएँ हैं, ठीक है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, चाहे राष्ट्रपति की बात की जाए चाहे उपराष्ट्रपति की बात की जाए, आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए दोनों ही कंडीशन में, चाहे वाइस प्रेसिडेंट की बात की जाए चाहे प्रेसिडेंट की बात करी जाए। और उसके लिए कंडीशन है कि वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसा प्रॉफिटेबल पोस्ट उसके पास नहीं होनी चाहिए, और वह राज्यसभा या काउंसिल ऑफ स्टेट के सदस्य के रूप में चुने जाने के योग्य होना चाहिए, क्लियर। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए योग्यता होना आवश्यक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट है कि फोर्थ क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिट ऑफ द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट इज इशू टू रेस्ट्रेन ए पर्सन फ्रॉम होल्डिंग ए पब्लिक ऑफिस विच ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू।
निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है? तो होता है, उसको बोला जाता है क्यो वारंटो, जिसको बोला जाता है अधिकार प्रक्षा। ये एक रिट होती है जिसमें किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पद ग्रहण करने से रोकने हेतु जारी किया जाता है, ठीक है, जिसके लिए वो वैधानिक रूप से अधिकृत भी नहीं होता है ना। मतलब इस रिट के अंतर्गत क्या होता है कि जो कोर्ट होती है, न्यायालय होता है, वो उस व्यक्ति से पूछ सकता है, पूछता है कि वह किस अधिकार से इस पद पर कार्य कर रहा है। यदि किसी व्यक्ति ने सार्वजनिक पद को अनाधिकार ग्रहण किया है तो न्यायालय उसे कार्यालय में किसी भी गतिविधि को निष्पादित न करने का आदेश दे सकता है, मतलब उस पर रोक लगा सकता है कि वह इस कार्य को अब आगे ना करे, ठीक है, और उस पद को वो वहाँ पर रिक्त भी घोषित कर सकता है। क्लियर, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हिस्ट्री का क्वेश्चन आ जाता है कि हु वाज द सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो बिंदुसार, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक या फिर बिंबिसार। तो चंद्रगुप्त मौर्य का वो था पुत्र था बिंदुसार, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे बिंदुसार। बिंदुसार भारत के दूसरे मौर्य सम्राट बने। उन्होंने 297 से और 297 से 273 ईसा पूर्व तक शासन किया था और वह मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र हुए और चाणक्य जो था बिंदुसार का ही मुख्य सलाहकार भी था, ठीक है। चाणक्य के बारे में आपने पढ़ा होगा, चाणक्य जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी, ठीक है। और अगर बात की जाए उनको कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। आगे आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर और क्वेश्चन है कि विच डायनेस्टी कम टू पावर इन इंडिया आफ्टर द तुगलक डायनेस्टी। भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आता है? तो ये है सिक्स्थ क्वेश्चन। भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आता है? तो वो है सैयद वंश, ठीक है। सैयद वंश जो था दिल्ली सल्तनत का चौथा वंश था। तो चौथा ऑप्शन, चौथा ही वंश है और चौथा ही इसका ऑप्शन है, तुगलक वंश के बाद आता है। क्लियर, आगे चलते हैं। और इसका जो शासन काल रहा था वो भी मैं आपको क्लियर कर दूं, ये रहा था 1414 से और 1451 ईस्वी तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच प्लेनेट इज कंसिडर्ड एज द ड्वार्फ प्लेनेट, किस ग्रह को बोना ग्रह माना जाता है? तो बोना ग्रह का जो नाम दिया गया है वो दिया गया है प्लूटो को, ठीक है, प्लूटो को, जिसको हिंदी में यम भी बोला जाता है, प्लूटो को। और प्लूटो को 2006 में बोना ग्रह नाम दिया गया था और यह तब हुआ जब आई ए एक संस्था है, IAU ने ग्रह की परिभाषा को इस प्रकार प्रतिपादित किया था, मतलब उसको परिभाषा को कुछ इस तरीके से दिया था कि ग्रह एक खगोलीय पिंड है जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है, कठोर पिंड के बलों को पार करने के लिए इसके स्वयं गुरुत्व का द्रव्यमान प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। तो ये उन्होंने परिभाषा दी थी और उस परिभाषा के आधार पर इन्होंने यम को यानी कि प्लूटो को एक बोना ग्रह नाम दिया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? तो बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? चार ऑप्शन है आपके पास, कालकेरस रॉक, चूनेदार चट्टान, इग्नेस रॉक, अग्नि चट्टान, मेटामॉर्फिक रॉक, कायंत्रिक चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक, अवसादी चट्टान। तो इसका सही आंसर है वो होता है सेडिमेंट्री यानी कि अवसादी चट्टान, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वीट इज ए, गेहूं है एक, क्या है गेहूं? बेल है, औषधि है, झाड़ी है, वृक्ष है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो बेल क्या है? तो गेहूं जो होता है, गेहूं होता है एक प्रकार का हर्ब, उसको बोला जाता है शाक, ठीक है, औषधि बोला जाता है, शाक बोला जाता है। शाक औषधि बोलने का इसका जो सबसे बड़ा रीज़न होता है कि इसमें पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक लाभ और विटामिन होते हैं, बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं, ठीक है, और इसे आसानी से जड़ सहित उखाड़ा जा सकता है, तो इसलिए शाक हर्ब की श्रेणी में आता है, ठीक है। आगे आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। स्नेक्स, टर्टल, लिजर्ड एंड क्रोकोडाइल्स फॉल्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ एनिमल्स? सांप, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ जंतु की किस श्रेणी में आते हैं? तो ये आते हैं, इन्हें कहा जाता है रेप्टिलियन,
ठीक है, सरीसर्प, सरीसर्प की श्रेणी में आते हैं, सांप, छिपकली, मगरमच्छ, समुद्री कछुए, ठीक है, क्यूट, और कुछ इस तरह की चीज़ें आती हैं, ठीक है। और इसमें जो होते हैं इनमें पंख की बजाय इसमें लोम या पंख नहीं होते, इसमें शल्क पाए जाते हैं, ठीक है। और ये सरीसृप जितने भी होते हैं और उन वो क्या होते हैं, उनमें क्वालिटी होती है कि वो अंडे देते हैं, ठीक है। और इनको, इनका जो अध्ययन किया जाता है, सरीसृप का जो अध्ययन किया जाता है उसे सरीसृप विज्ञान भी बोला जाता है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर सॉयल वाटर टेंशन, पृष्ठ तनाव मापी उपकरण, ठीक है। सोयल, इसमें बोला गया सोयल वाटर टेंशन, तो मृदा के जल तनाव मापने के लिए कौन सा यंत्र होता है, उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, टेंसियोमीटर, तनाव मापी, ठीक है, जो मृदा में जल तनाव को मापने का काम करता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, बल्कि एसआई यूनिट क्या है, बल्कि एसआई यूनिट, और वो है यहाँ पर न्यूटन, ठीक है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन है, और एन से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, बल को, ठीक है, न्यूटन को, सॉरी, बल को तो फोर्स एफ होता है, ठीक है, जो न्यूटन है उसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो नाम रखा गया था वो किया गया था जिसने इसकी पहचान की थी, न्यूटन की गति का जो सेकंड नियम है, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन है, वो है जो दिया था साइंटिस्ट थे आइजक न्यूटन, आइजक न्यूटन के नाम पर ही इसका एसआई यूनिट जो है वो न्यूटन नाम दिया गया है। आगे चलते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए बैड थर्मल कंडक्टर, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा ऊष्मक परिचालक है, तो इन चार ऑप्शन में जो सबसे बेकार है वो है शीशा, जो होता है ग्लास, ठीक है, ऊष्मा का सबसे बेकार परिचालक, बैड थर्मल कंडक्टर, ठीक है, विद्युत और कुचालक, विद्युत का और ऊष्मा का दोनों की ही बात कर सकते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर्स डाटा परमानेंटली, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर्स डाटा परमानेंटली इन ए कंप्यूटर, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर में स्थायी रूप से डाटा संचित करता है, स्थायी रूप से डाटा संचित करने का काम किया जाता है रूम में, ठीक है, इसको, इसकी जो फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी, ज़्यादातर बच्चे जानते होंगे, ठीक है, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, रीड ओनली मेमोरी इसको बोला जाता है। और इसमें क्या होता है, केवल संचित डाटा को केवल पढ़ा जा सकता है, ठीक है, और अगर इसकी पावर को हटा दिया जाएगा तो उसमें इन्फॉर्मेशन समाप्त नहीं होती, ऐसा नहीं है कि अगर इसको पावर कनेक्ट किया गया है तभी इसमें ऐसा जो इसमें डेटा है वो रहेगा, अगर इसको पावर ख़त्म भी करा दी जाएगी तो भी इसमें जो स्टोर किया गया है वो मौजूद रहेगा। क्लियर, आगे चलते हैं, नेक्स्ट है कि रस्टिंग इज, जंग लगना है, जंग लगना क्या है, कैसा प्रोसेस है, तो जंग लगना एक रिडॉक्स अभिक्रिया है, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से बनती है, रिडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों ही इसमें प्रोसेस होते हैं, ठीक, लोहा और स्पॉट जब ऑक्सीजन और जल के संपर्क में आते हैं तो उन पर जंग लग जाता है, जंग लगने से बचाने के लिए जो भी मेटल होता है, धातु होता है, उस पर तेल, ग्रीस, पेंट, जिंक या टीन की परत चढ़ाई जाती है, ठीक है, ताकि उस पर जो वो ऑक्सीजन और जल के संपर्क में आने से रिडॉक्स क्रिया होती है उससे जो जंग लगता है वो प्रोसेस ना हो। क्लियर, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि विच अमॉन्ग्स द फॉलोइंग इज नॉट ए कैशन, निम्नलिखित में से कौन सा एक धनायन नहीं है, तो धनायन नहीं है तो सही आंसर होगा इसका क्या होगा, सल्फेट आयन, ठीक है, सल्फेट आयन उसको बोला जाएगा, सल्फेट आयन जो कि धनायन नहीं है, आयन परमाणु या अणु है जो आयन को एक शुद्ध धनात्मक या ऋणात्मक आवेश देते हुए एक या अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं या फिर खो देते हैं, तो यहाँ पर जो सल्फेट आयन है वो धनायन नहीं है, ठीक है, ध्यान देंगे इस चीज पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ स्मोक, निम्नलिखित में से कौन सा एक धूम कोहरे का घटक नहीं है, धूम कोहरा, ठीक है, तो धूम कोहरा इसका सही आंसर होगा क्लोरीन ऑक्साइड, क्लोरीन ऑक्साइड जो कि धूम कोहरे का घटक नहीं है, बाकी अगर बात की जाए नाइट्रोजन ऑक्साइड जिसको बोला जाता है NOx, ठीक है, और सल्फर डाइऑक्साइड SO, ठीक है,
कार्बन SO2, और बात की जाए कार्बन ऑक्साइड, ठीक है, CO ये होता है NO, नाइट्रोजन ऑक्साइड SO2, और बात की रही कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ठीक है, तो ये सभी जो होते हैं ये सभी धूम कोरे के घटक है, जबकि यहाँ पर बात करी हमने क्लोरीन ऑक्साइड, ये नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीति आयोग हैज़ बीन फॉर्म टू रिप्लेस विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन। नीति आयोग का निर्माण निम्नलिखित में से किस संस्था के स्थान पर किया गया है, ठीक है, तो ये जो संस्था है उसका नाम था योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन के नाम पर ही नीति आयोग आया था उसको ही रिप्लेस करने के लिए, और ये आया था 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में, ठीक है, तो तत्कालीन और वर्तमान भी हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने ही इसको स्टार्ट किया था। और नीति आयोग की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है तो उसको ध्यान रखेंगे, NITI नीति, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, अभी ग्रुप डी के एग्ज़ाम हो रहा है तो उसमें भी ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है, ठीक है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग की फुल फॉर्म। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इन्वेंटेड फर्स्ट वर्किंग लेज़र, काम करने वाली पहली लेज़र का आविष्कार किसने किया था, तो वो की थी जो उसके आविष्कारक हैं वो हैं TH Mehmann, ठीक है, TH Mehmann जो कि एक अमेरिकी अभियंता और भौतिक विज्ञानी हैं, वैज्ञानिक हैं, ठीक है, तो उन्होंने ही लेज़र का आविष्कार किया है। फिर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेन्यू होस्टेड इट्स फर्स्ट एवर टेस्ट मैच ऑन 9 नवंबर 2016 विच वॉज प्लेड बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड, तो उसका सही आंसर बताइए क्या होगा, और ऑप्शन है आपके पास JCSA अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम रांची, सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन राजकोट में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन जो कि धर्मशाला में है, ठीक है, और जो आगे ऑप्शन आता है होलकर क्रिकेट स्टेडियम इंदौर। क्वेश्चन में एक बार फिर हिंदी में रिपीट कर देता हूँ कि निम्नलिखित में से किस मैदान में पहली बार 9 नवंबर 2016 को भारत बनाम इंग्लैंड टेस्ट मैच का आयोजन हुआ है, तो पहला मैच हुआ है इस मैदान पर, अभी नया बना है, तो वो है राजकोट का सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, ठीक है, तो इस पर जो हैं कई एक दूसरे अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले गए हैं लेकिन इस ग्राउंड पर पहला टेस्ट मैच खेला गया। अच्छा, तो इस पर अंतर्राष्ट्रीय मैच तो खेले जा चुके हैं लेकिन एक दिवसीय खेले गए हैं, वनडे खेले गए हैं, लेकिन जो पहला टेस्ट मैच हुआ है वो 9 नवंबर 2016 को हुआ, और इसके साथ ही ये भारत का 23वां और विश्व का 120वां टेस्ट स्थल बन गया है, तो ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंट है कि 23rd तो भारत का बन जाता है और 120th पोजिशन पर हो जाता है वो वर्ल्ड में जिस मैदान पर टेस्ट मैच का आयोजन किया गया है, सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम राजकोट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, मैच द फॉलोइंग, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास चार कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, और चार उनकी आर्ट फॉर्म है, उनकी कला है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हरिप्रसाद चौरसिया, ठीक है, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से संबंधित हैं, तो जो जो आपको पता है वो आप लगा के चलिए। MF Hussain का संबंध चित्रकला पेंटिंग से है, तो ठीक है, जाकिर हुसैन को हम जानते हैं वो तबले से संबंधित हैं, और गौरी शंकर देवीलाल कत्थक हो गए, तो फर्स्ट का सी हो जाता है, ठीक है, सेकंड का ए, थर्ड का बी और फोर्थ का डी, तो थर्ड ऑप्शन है हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं कि हु इज़ ओनली इंडियन क्रिकेटर टू हैव रिसीव्ड द पोली उमरगर अवार्ड 3 times, किस एक भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को 3 बार पोली उमरगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो वो हैं विराट कोहली, ठीक है, 8 मार्च 2017 को विराट कोहली को पारी उमरगर अवार्ड प्रदान किया गया, इससे पहले 2011-12 में दिया गया है, उससे पहले दिया गया है 2014-15 में, ठीक है, और अब फिलहाल दिया गया है 2017 को, 8 मार्च 2017 में, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल द सेल आउट, द सेल आउट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो ये हो जाते हैं, उनका नाम है पॉल बेटी, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन पॉल बेटी, जो कि ग्रेट ब्रिटेन की प्रतिष्ठित
मेन बुकर प्राइज जीतने वाली पुस्तक है सेल आउट, अमेरिकी लेखक हैं पॉल बीटी की पहली बुक है, ठीक है। तो अमेरिका में सबसे ज़्यादा सेलिंग हुई इस बुक की और नाम भी सेल आउट है। आगे चलते हैं कि विच कंट्री वाज डिज़ाइंड एज द मेजर डिफेंस पार्टनर ऑफ यूएसए इन दिसंबर 2016, किस देश को सितंबर 2016 में संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे प्रमुख रक्षा सहयोगी घोषित किया गया था, ठीक है। तो इसका सही आंसर है वो है इंडिया भारत, ठीक है। 2016 सितंबर का क्वेश्चन इसलिए क्योंकि 2017 का ये सीजीएल का पेपर है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो स्टार्टिंग में बोला था। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट है कि विद विच कंट्री इंडिया डिड इट्स सेवंथ एडिशन ऑफ बायलेटरल इक्वेरिन एक्सरसाइज 2016 एट कदहतो, ठीक है, कदहदू बोला जाए प्रोनाउंसिएशन का फ़र्क है। भारत ने किस देश के साथ 2016 में अपना सातवां द्विदेशीय संस्करण एक्वेरिन अभ्यास कदहदू में किया था, ठीक है। तो ये है देश का नाम है, कंट्री का नाम है, वो है मालदीव, ठीक है। काफ़ी फेमस रहा था ये सातवां द्विदेशीय संस्करण एक्वेरिन अभ्यास कदहदू जो कि मालदीव के साथ किया गया था। तो इक्वेरियन भारत और मालदीव के मध्य आयोजित होने वाला द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। मालदीव की स्थानीय भाषा में इक्वेरियन का अर्थ है मित्र, ठीक है। ध्यान रखेंगे इक्वेरियन जो शब्द यूज किया गया है उसका मतलब होता है मालदीव की भाषा में मित्र, ठीक है। सैन्य अभ्यास के सातवें संस्करण का आयोजन दिसंबर 2016 में मालदीव के लम्बू पवाल द्वीप पर कदहदू नामक स्थान पर किया गया। कदहदू जो है एक प्लेस का नाम है, क्लियर। तो गाइस ये थे आज के कुल मिलाकर 25 क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम से लिए गए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं, आपको यहाँ से काफ़ी कुछ हेल्प मिल सकती है अपने कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। तो आप खुद से चेक करके देख लीजिए कि आपने कितने क्वेश्चंस के सही आंसर दिए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट में बताइए, अगर कमेंट में आपको अच्छी लगी है बताएंगे तो हम आगे भी इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू जारी रखेंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।